फोन सो हेलो गाइज, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल गैरेज वार ऑफिशियल में। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास में पुराना मॉडल स्प्लेंडर प्लस की हेड है। तो इस वीडियो में इसको कम्प्लीटली फिटिंग करेंगे और फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं हमारा हेड प्रॉपरली साफ हो चुका है। और गाइज हमने इसका जो वाल की ऑयल सील है वो दोनों हीरो कंपनी के नया ले करके आए हैं। तो सबसे पहले इन ऑयल सील को फिटिंग कर लेना है। तो गाइज पेचकस की मदद से कुछ इस तरीके से बेल ऑयल सील को लगा लेते हैं। और हमारा दोनों वाल उसको भी प्रॉपरली लगा लेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारे दोनों वाल लग चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो गाइज अब मेन चीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों साइड में पतले सीम्स वाशर कुछ इस तरीके से लग जाती है। उसके बाद गाइज एक बड़ा सा स्प्रिंग और स्प्रिंग के अंदर में एक छोटा सा स्प्रिंग। उसके बाद गाइज दोनों वाल के लॉक को भी प्रॉपरली बैठा लेंगे। सो गाइज हम भेल पुलर का यूज नहीं करते हैं। 14-15 रिंग पाना की मदद से गाइज हम लोग वाल को सेटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आराम से लग चुका है। अब दूसरे साइड को भी लगा लेते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं ये बहुत आराम से लग चुका है। उसके बाद गाइज सबसे पहले कैमशाफ्ट को लगा लेते हैं। सो गाइज हमारा कैमशाफ्ट फिटिंग हो चुका है। अब दोनों रोकर को भी लगा लेते हैं। हमारे जो रोकर हैं गाइज उसके पिन कुछ इस तरीके से लगानी पड़ती है। दूसरे पिन की मदद से उसको अंदर कर लेते हैं। अब गाइज दूसरे साइड के रोकर को भी आराम से उसकी जगह पर बिठा के पिन को अंदर डाल लेते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा दोनों रोकर बैठ चुका है। अब गाइज हमारा जो फ्लांज पाइप है इस पाइप को भी ओरिंग लगा करके लगा लेना है। तो गाइज सुना तो नाटी टेलो। तो इनको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। सो गाइज हमारा टाइट हो चुका है। अब इसके ऊपर में जो पैकिंग लगता है उस पैकिंग को कोई भी बॉन्ड लगा करके लगा लेना है ताकि गाइज ये दोबारा लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद गाइज इसके जो ऊपर में प्लेट लगते हैं उन प्लेट को भी बिठा लेना है। और इसमें 8 नंबर की दो बोल्ट लगती हैं वो दोनों बोल्ट को भी प्रॉपरली टाइट कर लेंगे। अच्छा
आपका ना ही हेड लग हमारा हेड कंप्लीट हो चुका है। अगर गाइस आपको